लड़ने तो कहीं से भी, हमें कहाँ समस्या है, उनको उनका जहाँ इच्छा हो वहाँ लड़े। अब उनके लिए जगह कहीं बची नहीं है, अब वो लड़ने की स्थिति में है नहीं है, तो इसलिए इस प्रकार के वायुमंडल बनाया जा रहा है, वो कहीं से भी लड़ो। ये जो मेरे पीछे आप कमल का फूल और मोदी की गारंटी और जिस प्रकार विकास के कार्य हो रहे हैं और राम राज्य की पुनः स्थापना हुई है, तो उन सबको देखते हुए कोई कहीं से भी लड़ो, इस बार 400 पार। ड्रेस कोड को लेकर जो कानून की बात कर रहे थे आप, अभी तक ये आने की संभावना कब तक है? अभी चर्चा प्रारंभ हुई है, स्कूलों में अपने आप शुरुआत हो गई है। ये कानून से पहले ही आप माने कि आप खुद स्वयं स्कूलों में देखें, बच्चे अभी स्कूल ड्रेस में आ रहे हैं और बड़ी खुशी से आ रहे हैं, उन्हें कोई ना कोई रोक है ना टोक है। ये तो कुछ लोगों ने इस प्रकार का माहौल बनाना चाहा था कि भाई ये ड्रेस कोड के बहाने हम राजनीति चलाएंगे, लेकिन ये राजनीति का विषय नहीं है, ये स्कूल का, स्कूल प्रशासन का विषय है। और बच्चे आपस में घुले मिलें, आपस में एक दूसरे का प्रेम भाईचारा बने, उनमें किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का मतभेद जातिगत धर्म के अनुरूप ना हो, तो उसको बच्चे अब समझते हैं। बच्चों में डालने का जो प्रयास कर रहे थे वो भी विफल हो चुके हैं। स्कूलों में आप देखें, उन्हीं सब स्कूलों की जहाँ की चर्चा आई थी वहीं पर आप जाके देख सकते हैं, आज सारे बच्चे स्कूल ड्रेस में आ रहे हैं, राष्ट्रगान भी हो रहा है, वंदे मातरम भी हो रहा है। कांग्रेस में गुटबाजी की आप बात कर रहे हैं, जोधपुर में जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री जो है एक बार फिर से चाहिए, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं चाहिए, तो क्या बीजेपी में गुटबाजी नहीं है? नहीं नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है, ये कोई हो सकता है कांग्रेस ही का षड्यंत्र हो, कांग्रेस ही ने किसी ने अपनी तरफ से लगाया हो। भारतीय जनता पार्टी एक विराट परिवार है, परिवार के सब सदस्य समान रूप से हैं, या कार्यकर्ता कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कार्यकर्ता कार्यकर्ता है, और उसी कार्यकर्ता के रूप में ये विराट परिवार जो है पूरे दुनिया में ऐतिहासिक बड़ी पार्टी के रूप में है। यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, ये तो कांग्रेस के किसी आदमी ने लगा दिया होगा अपनी तरफ से, उन्होंने फालतू खर्चा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यहाँ से चिट्ठी लिखी है कि सोनिया गांधी हाँ, को राज्यसभा से भेज दिया जाए। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कांग्रेस में, कांग्रेस क्या है कि चार लोगों की पार्टी है कांग्रेस में, मम्मी बेटी मम्मी बेटा है एक तो, और एक जीजीर जिया जी हैं, ये चार लोग पार्टी के मूल का चलाने वाले, इन में लेके सिमट के रह गई पार्टी। और कांग्रेस में जितनी अंतर कलह और गुटबाजी है उतनी अन्य किसी पार्टी में, पार्टी क्या पार्टियाँ बची कहाँ है, वो पार्टी भी बोलें तो पार्टियों के रूप में है नहीं। तो कांग्रेस की अंतर कलह और जो गुटबाजियाँ हैं वो ये दर्शाती है कि उनके पास में न तो कैंडिडेट है और न उनके पास में कोई विज़न है और न इस राष्ट्र की सेवा का कोई उनके पास दायित्व और कर्तव्य है, और लोगों ने उनको डिलीट भी मार दिया है। तो इसलिए इस प्रकार की अब स्थितियाँ बन गई इनको कि इनके पास कैंडिडेट भी नहीं है, और ये परिवार में आपस में जैसी परिवार पार्टी चला रही है उसी परिवारवाद को यहाँ इन्होंने पहले भी कर रखा था और वापस से और ही करना चाहते हैं। लेकिन लोग, ये भारतीय जनता पार्टी यानी जनता की पार्टी है, विराट परिवार है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का जो काम हो रहा है विकास का, उसमें ये जितने भी प्रयास किसी भी रूप के कर लें, इनकी गुटबाजी कर बना लें, ग्रुपबाजी बना लें, परिवार बात कर लें, ये सब फैल होगा और इस बार 400 पार होगा। ठीक, ये सही होगी।